नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनमोल आयुर्वेदा में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपसे सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करने का एक नुस्खा बताया था, लेकिन दोस्तों उसमें हमने सेंधा नमक का प्रयोग किया था और सेंधा नमक कई लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होता है या फिर सेंधा नमक से एलर्जी उन्हें होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक दूसरा नुस्खा, खास तौर पर कफ को निकालने का काम करता है, खांसी जुकाम व बंद नाक को दूर करने का एक ज़बरदस्त नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपसे पहले ही बताया दोस्तों, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में एक नुस्खा आप लोगों से दिया था, लेकिन ये जो नुस्खा है ये 100% काम करता है और वो नुस्खा जो है वो भी काम करता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ सामग्रियों से एलर्जी होती है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि ये सर्दी खांसी जुकाम के लिए एक रामबाण दवाई की तरह काम करता है। हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ये दोस्तों सौंठ का। सौंठ जो होता है ये प्रकृति में गर्म होता है, इसकी जो नेचर होती है वो गर्म होती है। साथ ही दोस्तों सौंठ के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व तो होता है जो सूजन को कम करता है। अगर आपके गले में सूजन हो गया है तो सूजन को कम करता है, साथ ही साथ वात पित्त और कफ को संतुलित करता है और जो है दोस्तों ये सर्दी खांसी व जुकाम को कम करता है। तो बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले वो क्या करना है, आपको लेना है ये दोस्तों सौंठ। आप बाज़ार से ये जो खड़ा सौंठ होता है ना, इसी को लेकर के आइए, क्योंकि दोस्तों ये जो होता है अदरक का सूखा हुआ भागी होता है। आप चाहें तो अदरक को ला करके सुखा सकते हैं और सुखाने के बाद ये देखिए, ये अदरक जो है इसके अंदर कोई भी नमी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। सूखने के बाद ये आपको इस तरह से दिखाई देता है। और दोस्तों अदरक और सौंठ के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो आप बाज़ार से खड़ा सौंठ खरीद करके लाइए और उसे अपने मिक्सर जार में इसे डाल करके कुछ इस तरह से इतना ही महीन आप इसे पीस लीजिए। क्यों दोस्तों, आजकल के समय में मिलावट का ज़माना है, अगर आप इस तरह से पिसा हुआ सौंठ लेकर के आएंगे तो हो सकता है उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट हो। और जब आप औषधियों को अपने घर पर बना रहे हैं तो याद रखें दोस्तों, आपको सामान जो लेना है वो 100% शुद्ध ही होना चाहिए। तो इस तरह से आप सौंठ को पीस करके यहाँ पर रख लीजिए। और आपको यहाँ पर इसमें दूसरा चीज़ लेनी है, ये दोस्तों शहद को। आप अगर आपके घर के आसपास कहीं पर शहद मिल जाता है पूरी तरह से नेचुरल, तो आप उसे खरीद करके रख लीजिए। बाज़ार से मिलने वाले जो शहद होते हैं ना दोस्तों, उनके अंदर बहुत सारा ऐसा गुण होता है जो होना ही नहीं चाहिए। और दोस्तों एक बात और आप लोगों से बताना चाहता हूँ, शहद का एक्सपायरी डेट भी उसके ऊपर लिखा होता है, लेकिन शहद जो होता है हज़ार सालों तक खराब होने वाला नहीं होता है। तो कुछ इतनी ही मात्रा में एक चम्मच शहद को लेने के बाद इतनी ही मात्रा में आप यहाँ पर सौंठ को ले लीजिए, अच्छे से इसे मिला दीजिए। यह नुस्खा बहुत ही सिंपल है, आप इसे बच्चे को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्रकृति होती है ना गर्म होती है। लेकिन अगर आप नौजवान हैं, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम व बंद नाक की समस्या है, तो आप जो है खाना खाते हैं तो खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद इसे खा लीजिए। 2-3 दिन लगातार ऐसा करके देखिए, आपकी सर्दी खांसी बुखार वो बंद नाक की समस्या है तो ठीक कर देगा, हल्का फुल्का बुखार है तो ठीक कर देगा। 5 साल तक के नीचे जितने भी बच्चे आते हैं उनको आप इसे ना दें, अगर देना ही चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लेकर के उन्हें चटा सकते हैं, उनकी भी सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर से पूछ करके आप उसे दे सकते हैं। साथ में अगर आप किसी नौजवान व्यक्ति को देना चाहते हैं तो आप जो है आधा चम्मच कुछ इतनी ही मात्रा में आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, साथ में आपकी भी सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।